नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी सम्मानी श्री उमाशंकर जी त्रेटिया। उमाशंकर जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। आपको लेकर काफ़ी चर्चाएँ होती, काफ़ी सकारात्मक चर्चाएँ होती, कहीं ना कहीं आपको एक खेल स्प्रिट का व्यक्तित्व के रूप में पेश आना जाता है, जिस तरह से आप सभी लोगों के साथ में एक समन्वय के साथ सभी को जोड़ के रखते हैं। आप में खूब कूट कूट कर संगठन क्षमता भरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? पहली प्रतिक्रिया यह है जी कि हम लोग एज अ पॉलिटिक्स जी राजनीति करते हैं जी, पिछले कई बरसों से राजनीति में जुड़े हुए हैं जी, और कार्य भी यही है, आगे भी यही करना है जी। हमें हर जगह जाते हैं, एक जनसेवक के रूप में ही क्या बात है, व्यक्ति हमें पहचानता है जी, चाहे वार्ड हो जी या बाहर कहीं पे भी जाएं जी। आज हमें काम दिया जाता है पार्टी की तरफ से जी, किसी भी चुनाव में या उपचुनाव में जी, तो बाकायदा हम हमारी पूरी टीम जो है पूरी मेहनत करके और प्रयास करते हैं कि हमारा प्रत्याशी अधिक से अधिक बहुमतों से जीते और हम उस पर लगभग लगभग खरे भी उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा उमाशंकर जी आपने, जिस तरह से मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पहचानता हूँ, आपका जीवन जो है काफ़ी कटीली राहों से गुजरता हुआ इस मुकाम पर पहुँचा हुआ है, हालांकि आपके मनुष्य जीवन को काफ़ी सार्थक रूप से भी लिया जा सकता है। आज आप बहुत बड़े मुकाम पर इंदौर शहर में देवी अहिल्या की नगरी में पहचाने जाते हैं, काफ़ी सकारात्मकता के साथ में आपका नाम लिया जाता है, आपको लेकर कहीं भी कोई नकारात्मक बातें नहीं होती। कैसा लगता है, मनुष्य जीवन आपको कितना सार्थक है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आज से पहले हम काफ़ी परिस्थितियाँ विपरीत बिगड़ी हुई थी हमारी, बिल्कुल आज हमारे अनुकूल है। बिल्कुल सही कहा, मिल मजदूर थे हमारे पिताजी भी जी, स्वदेशी मिल में काम करते थे जी, छः छः बहनें हैं क्या, माता पिता थे जी, मजदूर वर्ग के थे, और स्वाभाविक है मिल क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग थे, लगभग हम मिल क्षेत्र जाना ही उसी के लिए जाता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मजदूरी करने वाले लोग, बड़ा कठिन संघर्ष के साथ में। उसी दौर में हमारे लोगों का भी यही काम था, स्कूल जाते थे। मैं आदर्श पाल विनय मंदिर क्लर कॉलोनी में पढ़ा हूँ, क्या बात है, और मुझे याद है आज भी मेरी जो टीचर है भार्गव मैडम, अब वो इस दुनिया में नहीं रही लेकिन हमें पढ़ाती थी, हमारे सर हैं वो आज भी हैं जैन सर जी। ऐसे संघर्ष करने के बाद में मेरे माता पिता ने जितना पढ़ाना था उतना पढ़ाया, हायर सेकेंडरी तक हमें पढ़ाया जी। उसके बाद में उनका देहांत हो गया जी, देहांत के बाद में विवाह हो गया जी। अब हमारी भी स्थितियाँ बड़ी खराब सी थी जी, अपने को जो मिलता था, माँ बाप की डगर पे चलने वाले थे जी, जितना मजदूरी और ठेकेदारी में मिल जाता था काम करते थे, बिल्कुल, लेकिन कड़ी मेहनत करते थे, बिल्कुल कड़ी मेहनत करते थे, परिश्रम पर आपका आधारित जीवन, कर्म पर आधारित जीवन, बहुत बहुत संघर्ष किया है, काफी मेहनत की है, बिल्कुल सही कहा, मेहनत करके आज उसके बाद में धीरे धीरे मुकाम जब आगे बढ़ा जी, तो मैं समझता हूँ कि एक 90 के बाद में, दशक के बाद में आज विष्णु उस्ताद जी नहीं रहे जी, लेकिन जो भी है मार्गदर्शन और किस प्रकार से लोगों से मिलना, किस प्रकार से काम करना जी, या लोगों में अपना व्यवहार कैसे बनाना जी, ये सब शिक्षा उन्होंने दी हमें, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज उस्ताद को कोई किसी भी रूप में जानता हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उनने कई लोगों पर जी, कई लोगों पर कितने, मैं गिन के बता नहीं सकता हूँ, बोले जी इतने लोगों की मदद की है उनने जी। नहीं तो देखिए 365 दिन जी, आज जिस विधायक रमेश बिंदौला की नाम से कैलाश विजयवर्गीय, जो हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं जी, उनकी पहचान से हमारी पहचान है, बिल्कुल सही। राजनीति में अगर किसी ने पहचान दी है जी, तो रमेश बिंदौला ने और कैलाश विजयवर्गीय, बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करते हैं, बहुत सुंदर। और हमारी दो नंबर की टीम जितनी भी है पूरा प्रयास ही यही करती है जी। लेकिन जीवन में जी, जितना भी संघर्ष, आज रमेश जी ने 365 दिन में 365 दिन कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल 24 घंटे, वो ऐसे विधायक हैं कि
ये भंडारा है भूमि पूजन, ये फलाना, ये ढिमका, लेकिन उसके बाद में भी लोगों की नकारात्मक सोच उनके प्रति गलत रहती है, तो उस किसी के प्रति भी हो सकती है ऐसी सोच, विष्णु उस्ताद के प्रति भी। बिल्कुल सही, क्या गजब का उदाहरण आपने पेश किया। आज वो भी अपने कम अपने कदमों पर चल रहे हैं और अपनी मंजिल को छू रहे हैं। जनता हमारे साथ होना चाहिए, पब्लिक हमारे साथ होना चाहिए, कहने वाले को जिसको जो आता है वो कहते रहे, बिल्कुल सही, और कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता आज है, आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले रमेश कुमार। बिल्कुल सही कहा, काफी अच्छे साफगोई के साथ में अपनी बात रखी, और जितनी सुंदरता से आपने भले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को लेकर बात कही हो, क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदुला जी को आपने स्पष्ट रूप से जिस तरह से अपना आदर्श प्रतीत किया, व्यक्त किया, और साथ ही अपने जो अखाड़े के गुरु हैं उनको भी याद किया, विष्णु उस्ताद जी को, कहने के आपके जीवन में मेरे जीवन में कहने के एक वो आदर्श व्यक्तित्व प्रेरणा स्रोत रहे जिन्होंने हमको सदमार्ग दिखाया, भले उनको लेकर कई तरह की नकारात्मक बातें होती हो, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से दोनों ही इस बात को मानेंगे कि हमें तो सदमार्ग विष्णु उस्ताद के माध्यम से बना। आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, आप शुरुआत में कांग्रेस की राजनीति करते देखे गए, बाद में अपने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, और उसके बाद में आपको कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो कि कहीं ना कहीं हीरे को परखने वाले व्यक्तित्व ने आपको चुना और कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल करवा के एक बार पार्षद चुनाव, एक बार नहीं दो बार पार्षद के चुनाव लड़ने का मौका तक दिया। आखिर इतना सब कुछ आपके लिए कैलाश विजयवर्गीय रमेश जी की ओर से हुआ, किस तरह उन्हें मानते हैं, कितना आदर्श उन्हें, किस तरह अपने जीवन में कितना अहम भूमिका में रखते हैं। देखिए बहुत अच्छा विषय छेड़ा है आपने जी, और बहुत अच्छी बात है जी, कांग्रेस की राजनीति करते थे। हमारा एक सिद्धांत था, क्या वो आज भी है, हम हमारे कामों के माध्यम से हमारे घर की जो घर चलाना, घर खर्च कैसे होना, मित्रों में कैसे होना, परिवार को कैसे चलाना, ये सारी चीजें हमको आज विष्णु उस्ताद ने सिखाई है। और स्वाभाविक है अगर वो जिस रास्ते पे जाएंगे, जिस दल में जाएंगे जी, उमा शंकर तरेटिया को भी उसी दल में जाना है। बिल्कुल सही कहा, कहते हैं उस समय कांग्रेस की राजनीति बहुत चरमों पे चला करती थी। बिल्कुल सही कहा, चूंकि उस्ताद को भी काफी परेशानी आती थी जी, शहर में संघर्ष करना पड़ता था, जब भी कोई काम करे तो स्वाभाविक रूप से तकलीफें तो आती हैं, शहर में अच्छा करो या बुरा करो। अब ऐसी तकलीफों में अब हम उनके साथ में अच्छे बुरे हर हाल के अंदर रहते थे। बिल्कुल सही कहा, ऐसी स्थिति आज एक बहुत पुरानी बात है, 1999 में जब हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर का चुनाव लड़े थे, दिसंबर की बात है ये जी, उस समय मेरे सामने कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश घाटे थे जी, बड़े अच्छे प्रत्याशी हैं, अब अच्छी राजनीति करते थे कांग्रेस की। बिल्कुल सही कहा, और बड़ा जलवा था उनका पूरे क्षेत्र में, और एक तरफा उनकी तूती बोलती थी। बिल्कुल सही कहा, ऐसी स्थिति के अंदर मुझे भी किसी ने बोला, मेरी उम्र भी कम थी जी, किसी ने बोला उमा भैया तुम भी चुनाव लड़ लो जी। हमने कहा यार हमको टिकट देगा कौन जी, जिस दल के पास में जाएंगे बच्चा समझ के दोनों भगा देंगे। बिल्कुल सही कहा, ऐसी स्थिति में हमने मित्रों ने तय करा तो बोले निर्दलीय लड़ लो। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हम उस समय निर्दलीय लड़ लिए जी, अब लड़ तो लिए, उस्ताद ने भी समझाया जी, और मेरे साथ जो मित्र थे मेरे विजय गुप्ता भी थे, संजय गिल, ऐसे बीजेपी के अच्छे लीडर थे जी, तो माननीय कैलाश जी ने भी, रमेश जी ने भी समझाने का उनको प्रयास किया जी, कि तुम लोग कहाँ निर्दलीय के चक्कर में पड़ गए, लेकिन उन लोगों भी वो भी काम करते रहे जी। और सबसे बड़ी बात देखिए उस दौर की जी, युवराज उस्ताद उस समय मेरे चुनाव के प्रभारी, बिल्कुल पूरा चुनाव संभालते थे जी, उम्र थी कम, बिल्कुल सही कहा, लेकिन सुबह से, हाँ सुबह से संभालते थे शाम तक जी। आखिर में हम लोगों ने बच्चे बच्चे जो भी करना था हमने चुनाव लड़ा, और उस चुनाव को हमने बिल्कुल 400 कुछ वोटों से वो चुनाव में हार गया, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो पांडुराम शुरू करते वो तीसरे नंबर पे चले गए जी। तो जिस समय वो तीसरे नंबर पे चले गए तो हमको काफी दुख हुआ। दूसरे दिन हम सब लोगों ने खाना ना खाया, दाल रोटी बना के घर पे 10-15-20 लोगों ने जी। उसके बाद में फिर हमने निरंतर जो काम थे उस्ताद के मार्गदर्शन में हम करते थे वो हम करते रहे जी। करने के बाद में एक समय उस्ताद का देहांत हो गया जी। माननीय रमेश पिंदोला जी, कैलाश जी, मैं 1983 पे जब अशोक पवार चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 11 हुआ करता था। बिल्कुल सही कहा, उस समय भी मैं यहाँ पर उनका काम करता था भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं रमेश जी से बड़ा प्रभावित था, मैंने कहा रमेश जी से बात की जाए जी। तो मैं दादा करने गया, मैंने दादा मैं भी अब पार्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं क्या करना है जी।
तो उन्होंने बोला, बोले बस काम करो जैसा उनकी शैली में बोलते हैं, काम करो देखेंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे टिकट विकट भी देंगे या नहीं, लेकिन मैं मेरे काम में लग गया। एक समय ऐसा आया कि कैलाश जी और अमित जी ने आपस में चर्चा करके और सब लोगों से संघर्ष करा उनने। देखिए क्या होता है कि मैं नान महाराष्ट्रियन, बिल्कुल मेरा लालन पालन पोषण बचपन से लेकर महाराष्ट्रियन परिवारों में हुआ, क्या बात, मेरा आगे पीछे सब जी। तो मैं कर्म से महाराष्ट्रियन हो सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन जन्म जाति से तो मेरी समाज दूसरी नान महाराष्ट्रियन है। तो लोग बोलते थे कि यार तू महाराष्ट्रियन नहीं है और यहाँ पे 70-80% महाराष्ट्रियन लोग, तू जीत कैसे लेगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे नेता की पारदर्शिता थी जी। उनको लगा कि यार उमा चुनाव लड़ेगा तो जीत सकता है, बिल्कुल। तो उनने टिकट बुला कर दिया जी। और मैं चुनाव लड़ा जी। और उनके आशीर्वाद से वो चुनाव भी हम 1000 वोटों से जीता। क्या तो ऐसी सोच है इनकी राजनीति में जी। कि जो सीट नहीं निकलने वाली थी वो सीट भी निकाली जी। उसके बाद में 2004 का चुनाव जीतने के बाद में प्रेस वार्ड परिसीमन हो गया, परिसीमन से हमारा वार्ड कट गया। कटने के बाद में उस समय इस्तेफाक से टिकट नहीं मिला जी। दूसरी बार हमारे साथी गजानन गावड़े को टिकट मिला, वो उनकी मदर पार्षद बनी और मुझे भी टिकट दिया जी। पार्टी ने मुझे दिया और यहाँ जब 21 नंबर से चुनाव में टिकट दिया मुझे, और हमने काफी संघर्ष किया। आकाश जी ने लगातार निरंतर सुबह से लेकर शाम एक कर दी, मेरे सारे कार्यकर्ता जितने भी थे वार्ड 21 से, उनने भी बहुत मेहनत की। लेकिन आप एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में, एक लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं। आपका पहला चुनाव भी जो था, यूं कहे कि एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ लड़ा आपने, कांग्रेस के रमेश खाटे के खिलाफ चुनाव बोल था, आपका बड़ा चुनाव कहलाया, काफी चर्चित चुनाव रहा। आपका जो दूसरा चुनाव रहा जो कि आपके धर्म पत्नी द्वारा लड़ा गया था, वो भी जो कि एक ऐसे पार्षद चिंटू चौकसी जी, उनके सामने आपको लड़ना पड़ रहा। हमेशा आपको एक ऐसी सीट दी जाती है जो काफ़ी कटीली होती है और आप खूब संघर्ष करते नजर आते हैं, क्या खूबी है आपके अंदर, पार्टी क्या देखती है? बिल्कुल सही बात है जी। रमेश घाटे और ताराबाई घाटे उनकी मदर थी जी। वो दोनों एक एक बार और दमन पार्षद थे वहाँ के, बाहुबली पार्षद कह सकते हैं मैंने जी। आप कुछ देखा है मुझ में, तो मुझे टिकट दिया और मैं, मेरे उस समय खरा उतरा था जी। और इसके बाद में जब अभी टिकट दिया जी, तो हो सकता कहीं हमारी कमी रह गई होगी, हमारे कार्यकर्ता की, हमारी जनता की, मतदाताओं की तो कोई कमी होती नहीं है, कमी हमेशा प्रत्याशी में होती है। अगर कहीं हारा है तो उसका जिम्मा भी उसे ही लेना चाहिए। खूब सुंदर विचार है आपका। अगर नेताओं ने टिकट हराने के लिए दिया होता जी, तो टिकट देते क्यों, किसी को भी दे देते जी, जी। लेकिन हमेशा टिकट दिया जाता है। टिकट इतने बड़े दल का, जो राष्ट्र में दुनिया में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है, अगर उसमें भी हार गए तो कहीं हमारी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। लेकिन मैं आगे भी आशा करूंगा कि जब भी मुझे इस प्रकार का भी अवसर मिला जी, तो ये सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। आपकी सोशल एक्टिविटीज भी काफ़ी देखी जाती है, मैंने खुद ने देखा हुआ है कि जब भी आप पॉलिटिक्स कम करते देखे जाते हैं, आप सेवा के रूप में कहीं ना कहीं जब भी आपके आसपास इर्द गिर्द निर्धन परिवार के लोग दिखाई देते, तो क्या वाकई आपके दिल से ऐसा लगता है कि नहीं वाकई इनकी मदद होना चाहिए और आप खूब साइलेंट वर्क की तरह काम करते हैं? ये सच है मुझे जी। पॉलिटिक्स आदमी करने का मतलब ये नहीं है कि आदमी को पार्षद का टिकट मिलेगा या विधायक का मिलेगा या लोकसभा का मिलेगा तो ही आप नेता रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि इसको पॉलिटिक्स नहीं कहते हैं। पॉलिटिक्स और सेवा ये दोनों एक ही चीज़ है जी। नेतागिरी का मतलब क्या हुआ, नेतागिरी का मतलब भी यही हुआ, पॉलिटिक्स के जनसेवा करना है जी। और जो एनजीओ के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर भी लोग जो जनसेवा करते हैं, आज इतनी सारी कोरोना आया था, सभी लोगों ने मिलकर मेहनत करी, हमने भी जो हमारे हाथ में था हमारे मित्रों के माध्यम से सहयोग लेकर दाल आटा चावल ही जितना हम दे सकते थे कोरोना के माध्यम से, कहीं भूकंप बजाता है किसी जगह तो वहाँ पे भी हम देते हैं। जितनी भी जगह आपदा स्थिति पैदा होती है, हमको जैसा पार्टी का आदेश मिलता वो, और व्यक्तिगत रूप से हम वो करते ही है, क्योंकि करना चाहिए जी। इसलिए करना चाहिए कि जब आदमी संकट के समय पर उसके पास 1,00,000 रुपये घर में रखा हो, लेकिन उसके पास में आज वर्तमान में 2 रोटी खाने को नहीं है, पिछले 15 दिन से वो घर से बाहर नहीं निकला, तो वो पैसे को कैसे खाएगा? ऐसी स्थिति में अगर हम दाल आटा कुछ देते हैं तो उससे उसका जीवन यापन चलता है, तो बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कि थोड़ा देकर बड़े नेता बन गए, लेकिन करना चाहिए। बिल्कुल सही, सबको अपना अपना काम। आपके भीतर एक विशेष बात मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी आपके करीब रहने का खूब मौका मिला हुआ है। आप कहने की प्रचार से दूर रहते हैं, अच्छे काम आप करते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन प्रचार नहीं चाहते, मीडिया में भी नहीं आते, कहने की ये कहे कि आप में एक गुण और है, आप डिप्लोमेटिक नहीं है। ज़्यादातर लोग देखे जाते हैं जो राजनीति में आता है, मुँह पर
अच्छी अच्छी बातें करता है, पीठ पीछे कुछ और बातें कर देता है, तो वो डिप्लोमेटिक नहीं होना कई बार आपको राजनीति में पीछे रखता है कि आप अपने कार्य से, आपकी राजनीतिक शैली से संतुष्ट है? ये बात जरूर है, ये बात आपने जो बोली है, ये बात आज के 2020 के दौर में पूरी बदल चुकी है। आज से 20 साल पहले की राजनीति कुछ और थी, कृतित्व की थी। हाँ, और 20 साल बाद की राजनीति ये हो गई कि हम पूर्ण रूप से किसी को, सबको तो नहीं कह सकते हैं कि सब स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन हाँ अब बहुत लोगों का पार्टी के अंदर इस प्रकार से आना जाना हो गया है। दोनों ही दलों में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हमारे मध्य प्रदेश में तीसरा दल है ही नहीं, तो दोनों ही दलों में स्थिति ये बन गई है कि दोनों दल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे व्यक्ति का स्वभाव और स्वभाव से कारण आते हैं, यदि अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो वापस वो तत्काल चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का आना नहीं आना उससे कोई महत्व होता नहीं है, लेकिन वो लोग जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं, जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया पर सक्रिय होते हैं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सक्रिय होते हैं, जिस प्रकार से लोगों के बीच में सक्रिय होते हैं, उनसे तेज कोई नहीं हो सकता। बड़ा चढ़ाकर अपनी इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति व्यक्त करते हैं अपने आप को, और जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो तत्काल चले जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचने की बहुत आवश्यकता, और हम इनको नहीं देखते हुए, हम भले ही मीडिया के सामने आए नहीं आए, लेकिन हमको जो जिम्मेदारी दी है, चाहे परिवार ने दी हो या नेताओं ने दिए, वो हम निर्माण करेंगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपका सामाजिक सरोकार भी खूब खूब देखा जाता है, क्योंकि आप देखा है हमने कि आप जिस तरह से अपने साथ के जो गर्दिश काल के जो आपके मित्र हुआ करते थे उन्हें भी काफ़ी सहयोग करते हैं समय समय पर, किस तरह उनको लेकर सोचते हैं अपने मन में, किस तरह की भावनाएँ होती हैं? मैं आज भी उन लोगों के बारे में सोचता हूँ और हमेशा याद करता हूँ। मैं आज ही मेरे घर में मेरी वाइफ को यही बता रहा था जी कि ईश्वर बहुत धन्य है जी, बहुत यश प्राप्ति दे, बहुत पॉलिटिक्स में नाम रोशन हो जी, लेकिन अगर मेरे परिजन मेरे से बिछड़ जाए, बिल्कुल सही, मेरे मित्र मेरे से दूर हो जाए, मेरी पत्नी मेरे से दूर हो जाए, मेरे बच्चे मेरे से दूर हो जाए, मेरी जात समाज मेरे से दूर हो जाए, मेरे चाहने वाले मेरे से दूर हो जाए, तो ना तो वो यश चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना पॉलिटिक्स चाहिए, ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल सही कहा। आप आध्यात्मिक भी काफ़ी तीर्थ यात्राएं करते हैं, लगातार ईश्वर की शरण में जाने की कोशिश होती है, देवालयों में जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, कितनी संतुष्टि मिलती है, कितने आत्मिक रूप से आप अपने आप को सुखद महसूस करते हैं? बिल्कुल, मैं इस मामले में, मेरे को लगता है कि हमारी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, उस समय चलता था ये दो जी, तो मेरी उम्र भी 17 साल में मेरी शादी हो गई थी, मेरी वाइफ भी छोटी थी जी, हम लोगों की शादी हो गई, हमने शादी से लेकर आज तक जी पिछले 32 वर्षों में कहीं एक टूर पे नहीं गए होंगे पूरे परिवार समेत दोनों जी, और ना कभी हमने पिक्चर देखी जी, हम जब भी गए धार्मिक स्थानों पे गए, बहुत सुंदर, क्योंकि हमारे यहाँ विचार ही यही है सब पूरे परिवार के, घर वाले भी कहते हैं जब चलना हुआ, अब जरूर बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं जी, अब वो समझदार हो गए हैं, तो बोलते भी हैं पापा कभी कोई शिमला कुल्लू मनाली गए हो? अब नहीं गए भाई, हम जाते हैं तो एक ही आस्था अपनी, तो वैष्णो देवी जय माता दी, जम्मू जाते हैं उसमें घूमना भी हो जाता है, दर्शन भी हो जाते हैं, पिकनिक भी हो जाती है, सब बच्चों के मामले में भी माँ जी काफी यूं कहे कि लकी कहेंगे, बच्चे आपके खूब नाम कमा चुके, आप एक बिटिया रानी को डिप्टी कलेक्टर तक बना चुके, क्योंकि किसी भी पॉलिटिशियन की बात की जाए या किसी भी व्यक्ति की क्यों ना बात की जाए, अगर बच्चे अच्छे निकलते खूब नाम कमाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर पिता को अपना जीवन जो है सार्थक लगने लगता है, कितना लकी मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक चीज़ देखी थी, मैं 14 साल की उम्र से स्पोर्ट्स खिलाड़ी रहा, बिल्कुल, मैं जूडो और कराते के अंदर छोटा नेहरू स्टेडियम में जाता था, जब मेरे गुरुदीन शाह, दीपक रूपाइन, नरेश टटवाड़े, ये सब सीनियर लोग हैं, आज तो बड़े इंटरनेशनल स्तर पे गेम करवाते हैं सब जी, और उसी समय में जाता था, तो मेरा जो रहा वहाँ पर जी, मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ, मैं अच्छा लड़ा हूँ, मैं गाजियाबाद से लेके तो जबलपुर से लेके जहाँ मेरे को, यहाँ आज हमारे एक मित्र हैं जिनको हम संजय पाठक कहते हैं, इंदौर में शायद है कि नहीं मालूम नहीं, मैं TI है वो जी, उनसे मेरी आखिरी बाउट हुई थी जबलपुर में, उसके पहले हुई थी एक 11 था MP स्टेट चैंपियनशिप हुई थी हमारी नेहरू स्टेडियम में जी, उस समय हुई थी, तो वो फर्स्ट आए थे, मैं उसमें सेकंड आया था जी, जब वो पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे जी, तो हमारा जो लगभग स्पोर्ट से लगाव रहा, लेकिन मैंने अपने बच्चों को एक चीज़ देखी जी, कि अगर स्थितियाँ हमारी हमारे अनुकूल नहीं है जी, तो हमको स्पोर्ट्स पर नहीं जाना है। मैंने बचपन से एक मन बना लिया था कि बच्चों को एजुकेशन आई देना है, और मैं उसी लक्ष्य की ओर गया, मेरा बड़ा बच्चा BBA MBA किया हुआ है, मेरी बड़ी बच्ची राहुल तरेटिया जी, और मेरी बड़ी बच्ची जो है उसने भी MBA किया हुआ जी, दीपिका जी, और उससे छोटी जो लड़की है मेरी शिवानी तरेटिया, वो
आईआईटी आईटी की हुई है उसने मेडिकेप्स कॉलेज से, और आज वो पीएससी में सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर हो के एसडीएम सोनकच्छ है अभी वर्तमान में जी। और मेरी जो छोटी बच्ची है वो भी बीबीए उसने करके अब एलएलबी कर रही है। क्या बात है। तो मेरा जो ध्यान बच्चों पे एजुकेशन एजुकेशन देने से सब शिक्षित ना हो जाते हैं, अगर बच्ची आए तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ शिक्षित रहेंगे तो पूरे परिवार को और भी शिक्षा देंगे, आने वाली जनरेशन को भी बहुत जल्दी तेजी संभालेंगे, वो संभालेंगे हमारा नाम होगा। बच्चा पढ़ा लिखा के हमने खड़ा किया, स्पोर्ट में भी जाना चाहते थे लेकिन स्पोर्ट में इसलिए नहीं भेजा कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, नंबर वन पढ़ाई करके और मास्टर डिग्री लाकर कहीं आज नौकरी करें या व्यवसाय करें या पॉलिटिक्स करें, जहाँ भी करेंगे इनको इतना अनुभव रहेगा कम से कम अपना नाम रोशन करेंगे। यदि आपके स्वयं के गोल की बात की जाए तो आप आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि आपने अब इतना सब कुछ पा लिया, यूँ कहे कि एक प्लेटफॉर्म आपके पास तैयार है, बच्चे सेटल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक पिता के लिए, आपने जिस तरह से एक संघर्ष के साथ में अपने जीवन को जिया है, आगे बढ़ाया, हर चुनौती को स्वीकार किया है, कहीं ना कहीं आप एक आदर्श व्यक्तित्व के बतौर भी पहचाने जा सकते हैं। अब आपका अगला गोल क्या है, अगले जीवन को इतने अनुभव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देखिए, हमको तो जनसेवा के जनसेवा करनी है जी। पार्टी के जो दिशा निर्देश मिलेंगे जी। उस पर कार्य भी करना है जी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि विधायक या पार्षद या सांसद बनने से ही आप जनसेवा कर सकते हैं, अगर जनसेवा की भावना है तो उसके बगैर भी आप कर सकते हैं जी। बस ये है कि पार्टी दायित्व देते रहेगी, हम काम करते रहेंगे, इच्छा अनंत होती है, बिल्कुल सही, जिसका कोई अंत नहीं हो उसी को अनंत कहते हैं, वो कभी पूरी नहीं होगी। व्यक्ति मरने के पहले भी यही सोचेगा मैं ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन बस हम हमारा कर्म करने से छोड़े नहीं। और इच्छा यही है कि जीवन भर बच्चों को पढ़ा दिया है, बच्चे जो हमने काम किया है वो भी करें, जो आवश्यकता है जिनको कहीं किसी को शिक्षा में तकलीफ आती है उसकी मदद करें जी। उसको पढ़ाई में उसका सहयोग करें, यदि अगर उसको कोई रहने में या खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसकी मदद करें, बिल्कुल सही, क्योंकि मदद करना हम कभी भी जीवित रखेंगे तो इस पर हमें किसी भी रूप के अंदर सही बात है हमें वो रिटर्न देगा, बिल्कुल सही। और हम कर्म से ज्यादा कुछ करना नहीं है, कर्म करें, कर्म के बाद में फिर जो होगा ईश्वर देगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आपने भगवत चिंतन प्रस्तुत किया है एक चर्चित चेहरे के रूप में, मैं तो वाकई आपसे बरसों बरस के बाद में इतना वैचारिक रूप से मिल रहा हूँ, यूँ तो पल दो पल की मुलाकात हमारी खूब होती है, लेकिन आज जब मैं आपके साथ इंटरव्यू किया तो मैं खुद आपके व्यक्तित्व से और ज़्यादा पहले से कुछ ज़्यादा प्रभावित हो गया हूँ। आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक के चर्चित चेहरे में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।